तीन बार मैं अपना हेयर कट ले चुका हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आपके पीछे से बाल आगे लगाए जाते हैं, अगर हम उनको काट दें, अगर हम उनको शेव ऑफ कर दें, गंजे हो जाएं, तो क्या वो बाल बढ़ेंगे जैसे हमारे नेचुरल बाल बढ़ते हैं? क्या आपने ये भी सोचा है कि हम उनके ऊपर वैक्सेस, हेयर नॉर्मल हेयर ऑयल, जेल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उन्हें कोई हार्म होगा, कोई प्रॉब्लम होगी? क्या हम आफ्टर ऑल उन बालों को एज अ नॉर्मल हेयर ट्रीट कर पाएंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाएँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। देखो यार, हेयर ट्रांसप्लांट, अगर आप मेरी पहले वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा मैंने काफ़ी वीडियो में समझा दिया है बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। इस वीडियो में थोड़ा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट में आफ्टर ऑल आपके पीछे से जो बाल होते हैं वहाँ से निकाल के आपके उस पोर्शन में बाल लगा दिए जाते हैं जहाँ आपके बाल नहीं होते, तो वो एक बार अगर लगाने के बाद वो नॉर्मल हेयर्स की तरह ट्रीट होते हैं, वो नॉर्मल हेयर्स की तरह ग्रो होते हैं, और जैसे आपके नॉर्मल हेयर हैं आगे पीछे के वो बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं और आपका गंजापन छुप जाता है। अब बढ़ते हैं उस पार्ट की ओर। लोगों का ये सवाल होता है कि एक बार क्या हम उनको कटवा दें वो बाल बढ़ेंगे? डेफिनेटली हाँ बढ़ेंगे, क्योंकि वो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वही हेयर फॉलिकल्स पीछे से निकाल के आगे लगाए जाते हैं, तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। पीछे का जो बाल अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आगे का बाल भी बढ़ेगा। दूसरा डाउट ये होता है कि वो अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हमारे पीछे के बाल वाइट हैं, अगर वो आगे लगाएंगे तो क्या वो ब्लैक आएंगे या फिर वाइट ही आएंगे? तो फिर मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली वही हेयर फॉलिकल से जो पीछे से आगे लगाया गया तो वही बाल उसमें से आएगा। अगर ब्लैक था तो ब्लैक आएगा, ऑब्वियसली वाइट था तो वाइट आएगा, कर्ली हेयर था तो कर्ली आएगा, स्ट्रेट हेयर था तो स्ट्रेट हेयर आएगा। अब बात करते हैं अगर हम शेव ऑफ कर दें तो बेसिकली डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, अगर आप एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए उसके बाद एक साल तक वेट कीजिए, एक साल तक जो हेयर फॉलिकल्स होता है उनको दोबारा एक तरह से नॉर्मल फॉर्म में आने दीजिए। मतलब हेयर जो प्रॉपर रिजल्ट आने में एक साल लगता है, तो उस हेयर फॉलिकल को बेसिकली अच्छे से स्कैल्प में नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद आप शेव ऑफ करिए तो नॉर्मल आपका बाल वैसे ही ग्रो होगा आप जैसे आपका गंजे होने से पहले हेयर्स थे, जब आपके नॉर्मल हेयर्स थे, जो नेचुरल हेयर्स थे, वैसे ही वो बाल भी ग्रो होते हैं, क्योंकि वो आपके ही आफ्टर ऑल हेयर्स हैं जो पीछे से निकाल के आगे लगाए जाते हैं। जहाँ तक मेरी बात करें तो मैंने ट्रांसप्लांट के बाद तीन बार मैं अपना हेयर कट ले चुका हूँ। एक बार मैंने 3 महीने बाद लिया था, एक बार 4 महीने बाद, अब 5 महीने हो गए एक हेयर कट और लिया है मैंने, और ऑब्वियसली हेयर ग्रो हो रहे हैं। वैसे भी फर्स्ट टाइम जो मैंने लिया था वो तो ऑब्वियसली फ्रंटल हेयर में लिया नहीं था जहाँ मैंने ग्राफ्ट लगाए थे, दूसरी टाइम मैंने लिया फिर भी मैंने साइड से ही लिया था, तीसरी बार मैंने फ्रंटल हेयर जो थे मैंने वहाँ पे लिया था, और बाल अभी भी ग्रो हो रहे हैं। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना कि अगर आप पीछे से आप फॉलिकल निकाल के आगे लगाओगे तो डेफिनेटली इट विल ग्रो एज सेम एज इज यूज टू ग्रो व्हेन इट वॉज यू नो इंजेक्ट, जब आपके पीछे था वो बाल। हाँ दोस्तों, लेकिन काफ़ी पेशेंट अगर मेरे से जब बात करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, तो मैंने काफ़ी केसेस में ये देखा है कि कुछ लोग जब उनका शेडिंग फेज चल रहा होता है उसी समय जो हेड होता है वो शेव ऑफ कर देते हैं, तो ये रिकमेंड नहीं होता। आपको एटलीस्ट 6 से 7 महीना वेट करो अगर आपको शेव करना है। हाँ, कुछ इंसिडेंस हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी आपको तब शेव करना पड़े, इट्स अ डिफरेंट इशू, बट अगर आप नॉर्मल हो सो प्लीज़ 6 महीने से 8 महीने के पहले आप शेव ऑफ मत कीजिए। हाँ, नॉर्मल हेयर कट लीजिए, लेकिन प्लीज़ हेयर को शेव मत कीजिए 8 से 6 महीने तक, बिकॉज हेयर फॉलिकल को अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने दीजिए। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था, एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई डोंट नो, उनका मेन मोटिव यही होता है कि यार बहुत लोगों के अंदर ये गलत फहमियाँ होती हैं कि एक बार बाल पीछे से लगा दिया जाए, और काफ़ी लोग तो ये भी सोचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में बड़े बाल निकाल के आगे लगा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता, हेयर 0 नंबर का जो होता है उस, मतलब आप ये लगा लीजिए 1 सेंटीमीटर से भी कम हेयर का जो लेंथ होती है उस अमाउंट में बाल निकाले जाते हैं। पहले ट्रिम किया जाता है पीछे से डोनर एरिया, और वहाँ से तब बाल निकाला जाता है। हेयर ग्राफ्ट बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है, बालों को एक्सट्रैक्ट नहीं करना, ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, उस फॉलिकल को आगे लगा दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वो बाल बढ़ते हैं, क्योंकि मेन जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है उसमें मेन जो टास्क होता है वो ग्राफ्ट को, हेयर फॉलिकल को एक पीछे से निकाल के आगे लगाना है, जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ पे लगा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे दोबारा से बाल ग्रो करने लगे। और ये मैं समझाना चाह रहा था कि एक बार पीछे से बाल निकाल के आगे लगा दिए जाएँ तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आप नॉर्मल हेयर कट ले सकते हो, नॉर्मल हेयर स्टाइल यूज़ कर सकते हो, वैक्स लगाना है वैक्स लगाइए, वेदर यू आर यूजिंग एनी शैम्पू एनी ऑयल यू कैन यूज़ वन ऑफ देम, लेकिन ये रिकमेंड डॉक्टर करते हैं कि आप वैक्स से थोड़ा दूर रहिए जब तक आप एक साल तक ट्रांसप्लांट को, व्हेन यू आर यूजिंग मिनोक्सिडिल ऑयल, आप जब मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हो तो वैक्स लगाना इज़ नॉट रिकमेंडेड, एंड जेल भी मत लगाइए, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज
ये जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इसको डॉक्टर खुद ही मना करते हैं वैसे, एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर यू गाइस। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल में है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोज़ में डालूँ डायरेक्टली आपके फोन में पहुँचती जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।